तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर अयोध्या सच सच कर तैयार है। पीएम मोदी अपने दौरे में अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या दौरे के दौरान अयोध्या वासियों को सौगात देंगे। इस दौरान वो अयोध्या रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अयोध्या धाम में एक भव्य रेलवे स्टेशन बनाया गया है और तमाम जो यात्री यहां पर आएंगे उनकी सुविधा के लिए यहां पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग गेट्स बनाए गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और यहां पर आकर दो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। तैयारियां अपने अंतिम चरण पर हैं। आज चूंकि प्रधानमंत्री का दौरा है तो ऐसे में यहां पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ इस रेलवे स्टेशन के अलग अलग गेट बनाए गए हैं ताकि आराम से जो भी यात्री आए उनको कोई दिक्कत ना हो। आप तस्वीरों में देखते हैं ये गेट नंबर एक है और यहां पर जो सीढ़ियों के साथ साथ जो लिफ्ट है उसका भी प्रयोग यात्री कर सकेंगे। इसके साथ साथ यहां पर यात्री लॉबी बनाई गई है ताकि लोग आराम से आके यहां पर अपनी ट्रेनें लेट होने पर वेटिंग कर सकें, उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ इस स्टेशन को अत्याधुनिक तरीके से जो है डिजाइन किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि खूबसूरती इसकी अलग से दिखाई पड़ती है। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आज राष्ट्र को दो ट्रेनें जो हैं वो प्रधानमंत्री को समर्पित करना है और इसीलिए अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के पहले फेज का आज उद्घाटन करना है। और इसी दौरान जो है जो रूमा चकेरी चंदारी तिथि लाइन परियोजना है उसकी सौगात भी देंगे। इसके साथ साथ तमाम और भी सौगातें देनी है और आनंद विहार टर्मिनल अयोध्या धाम जंक्शन दरभंगा और मालदा टाउन ये जो इस तरफ जो रास्ते की तरफ जो ट्रेनें जाती हैं उनको भी जो है आज यहां पर जो है हरी झंडी दिखाएंगे और भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का हरी झंडी दिखा के प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग गेट जो है वो बनाए गए हैं और इसके साथ साथ चूंकि आज प्रधानमंत्री को यहां पर पहुंचना है तो जाहिर सी बात है कि भव्य तैयारियां कर ली गई हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी जो है यहां पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी रखी गई है और आज प्रधानमंत्री जब यहां पर पहुंचेंगे तो एक अलग नजारा होगा और आज प्रधानमंत्री यहां पर दो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल लोकवंशी, जी मीडिया, अयोध्या। तो आज का दिन बेहद अहम है और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर भी लगातार कवरेज जारी रहेगी। हर एक तस्वीर हमारे सहयोगी आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि आज प्रधानमंत्री कहां से गुजरेंगे, रोड शो कहां से जा रहा है, ये तमाम तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सीएम योगी भी इससे पहले पहुंचे हैं और निरीक्षण भी उन्होंने किया है तैयारियों का। बस आज इंतजार है प्रधानमंत्री के पहुंचने का और हमारे सहयोगी पल पल की अपडेट के साथ मौजूद हैं हर जगह से। हमारे साथ तुलसी उद्यान से नीतीश जुड़ चुके हैं, विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिरला धर्मशाला से और इसके अलावा रेलवे स्टेशन से विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नीतीश का रुख करते हैं। नीतीश, क्या तैयारियां आज देख रहे हैं वहां पर? तैयारियां बेहद खास है, तस्वीरें दिखाते हैं आप। देखिए तुलसी उद्यान के पास ये तोरण द्वार सजा हुआ आपको दिखाई देगा, इसके साथ ही किनारे पर अगर कहें तो जो बैरिकेटिंग है वो भगवा रंग में रंगी हुई दिखाई देगी और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर जो तुलसी उद्यान है उसके किनारे की तस्वीरें ये देखें, ये सामने ये सब कुछ आपको पूरी तरह से बैनर में पोस्टर और होर्डिंग में सब कुछ दिखाई देगा जो सरकार की योजनाएं हैं और जो अयोध्या में योजनाएं लागू की गई हैं। तो पूरी अयोध्या सजी हुई आपको नज़र आएगी। प्रधानमंत्री का जो रोड शो है वो यहाँ से निकलेगा और इस दौरान जो पब्लिक होगी, जो लोग होंगे वो उनका फूलों से स्वागत करेंगे। तो उसके लिए भी मंच बनाया गया है कि अगर आप पुष्प वर्षा करें तो उसमें सुरक्षा का कहीं भी कोई खतरा न हो। जो सुरक्षाकर्मी हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर तैनात हो चुके हैं और पूरी अयोध्या में आज उत्साह का माहौल है। आप देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो बाहर निकले भी हुए हैं तो प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार भाई साहब मीडिया से ही है। और आप देखिए ये सारी चीज़ें आपको सामने है, ये देखिए ये पुलिसकर्मी आपको सामने आते हुए दिखाई देंगे। जो इनके पॉइंट्स हैं वहाँ पर व्यवस्थित हो गए हैं। इसके साथ ही जो अधिकारियों की गाड़ियाँ हैं वो चक्रमण करना शुरू कर चुकी हैं और अब जो अयोध्या है वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और भी टाइट होती हुई नज़र आ रही है। और देखिए ये अयोध्या में ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं डमरू लेकर, तो डमरू लेकर अयोध्या में पहुँचे आप लोग जी, तो उत्साह कितना बहुत ज़्यादा है। प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं जी सर, तो मंदिर का उद्घाटन भी होने वाला है, तो उत्साह कैसे जताएंगे आप लोग? डमरू काशी से आए हैं आप जी जी, तो डमरू कैसे बजेगा अगर है तो? बाबा जब बजेगा तो आप प्रधानमंत्री आएंगे तो डमरू बजाने की तैयारी है? जब मंदिर का उद्घाटन होगा मंदिर बजाने की तैयारी है, मंदिर में डमरू बजाएंगे जी। और आज जैसे प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो आप लोग मौजूद होंगे, स्वागत भी करेंगे?
मन में है कि ठीक है दर्शन करने पहुंचे नीतीश यहाँ ये लोग और बने रहे नीतीश हमारे साथ, जरा रुक करते हैं विशाल का। विशाल क्या तस्वीरें आपके पास? देखिए मैं इस वक्त अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और आज यहां पर एक ऐतिहासिक दिन है, क्यों? क्योंकि आज अयोध्या में जो तमाम लोग आते हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी सुविधा का जो रेलवे स्टेशन है उसका आज जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री करना है। इसके साथ साथ दो अमृत भारत ट्रेन और 6 वंदे भारत जो ट्रेन है उनका उनको जो है आज हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। लेकिन आपको सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाता हूँ क्योंकि आप तस्वीरें देखिए, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन बिल्कुल बनकर के तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और आज इसका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ अलग अलग कई योजनाएं हैं जो रेलवे के क्षेत्र में है, 230 करोड़ रुपए के पास की ये पूरी योजनाएं हैं, इनका भी आज शुभारंभ करेंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भव्य तैयारियां कर ली गई हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आज यहां पर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को जो है सजाया गया है। और ये देखिए आप तस्वीरें देखिए, आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आज अयोध्या में किस तरह से पूरी तैयारी है। भगवान श्री राम के जो कटआउट्स हैं वो आपको यहां पर दिखाई पड़ेंगे। और चूंकि देखिए आज का जो दिन है वो बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि आज जहां एक तरफ एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे तो वहीं पर रेलवे स्टेशन, चूंकि अयोध्या में कई सालों से जो है इस बात की मांग की जाती रही है कि यहां पर एक बड़ा रेलवे स्टेशन बनाया जाए ताकि जो तमाम यात्री आते हैं उनको जो है कोई दिक्कत ना हो, तो उसी के लिहाज से यहां पर आप देख सकते हैं कि एक भव्य अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को जो है दोबारा से विकसित किया गया है और इसी का आज उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। इसके साथ साथ कुल 8 ट्रेनें जो है उनको आज हरी झंडी दिखानी है, जिसमें 2 अमृत भारत जो एक्सप्रेस है उनको दिखाएंगे, इसके साथ साथ 6 वंदे भारत है। और सबसे खास बात ये इसका जो रूट होगा वो बहुत खास है, सारे धार्मिक नगरों को जोड़ने का ये रूट है। और आप देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस वक्त सुबह का वक्त है, 7 बज चुके हैं, तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है। प्रधानमंत्री को यहां सुबह का वक्त है, बस इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री के पहुंचने का। लौटेंगे विशाल आपके पास भी, विवेक रुक करते हैं। विवेक आप बताइए आप कहां पर और किस तरीके का नजारा वहां पर अभी दिख रहा है, क्योंकि अभी तो खैर बहुत सुबह है, बस अब तैयारियां अंतिम दौर में होंगी। बिल्कुल अभी सुबह है लेकिन जो भक्त हैं, राम भक्त हैं, देश विदेश से आए हुए और उत्तर प्रदेश के अलावा देश के तमाम हिस्सों से आए हुए, उनके अंदर इतना जोश है कि सुबह से ही लाइन लगी हुई है। और आप देखिए पीछे मेरे राम धुन भी सुन रही हैं, बच्चे गा रहे हैं, एक अलग मंच बना हुआ है वहां पर, बच्चे गा रहे हैं, राम के भजन चल रहे हैं। और ये ठीक जो बिड़ला धर्मशाला है उसके ठीक सामने हम प्रवेश द्वार पर खड़े हैं, यहीं से आम जनता के लिए मंदिर जाने का रास्ता है। ये जो खूबसूरत पिलर दोनों तरफ बनाए गए हैं, इसके अलावा जो तमाम सुविधाएं हैं, इस पूरे द्वार को फूलों से सजाया गया है। प्रभु श्री राम के जो चित्र हैं वो फूलों से बने हैं, हनुमान जी के चित्र फूलों से बनाए गए हैं, प्रभु श्री राम का नाम लिखा हुआ है फूलों से, जगह जगह ऐसी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हैं जो फूलों से बनी हुई हैं। और पूरा रास्ता अंदर इसी रास्ते से लोग, जितने श्रद्धालु आए हैं वो सब इसी रास्ते से आम जनता प्रवेश करेगी राम मंदिर के लिए। और यहाँ से करीब 700 मीटर का दूरी है राम मंदिर की, तो दर्शन करने के लिए सुलभ रास्ता बनाया गया है, काफ़ी सुविधाएं। जिस तरह से राम मंदिर के बाहर अक्सर आप भी गए होंगे, हम भी गए, तमाम जनता जाती है, बाहर तमाम सुविधा केंद्र बने हुए हैं बैठने के लिए लोगों के, दिव्यांगों के लिए जो व्हील चेयर है वो उनकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सिक्योरिटी, कुछ अगर खो जाता है, कुछ किसी का सामान खोता है तो उसके लिए खोया पाया केंद्र भी है, तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हैं हर तरफ, कंट्रोल रूम भी बनाया गया, तो सारी सुविधाएं यहां पर हैं। सुरक्षा के लिए चारों तरफ जो बिल्डिंग्स हैं वहां पर ऊपर तैनाती है, टावर बनाए गए हैं अलग अलग, तो पूरे इस चूंकि बहुत महत्वपूर्ण जगह है ये प्रवेश द्वार, यही वजह है कि यहां पर सुरक्षा के लिए खासे इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग जो कंपनियां हैं पीएसी की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, वो यहां पर मौजूद है। आरएएफ देखिए, आरएएफ भी पहुंच चुकी है सुबह। और पूरे पथ को राम पथ कहा जाता है, पूरे पथ को भगवा रंगों से, भगवा झंडों से, हनुमान जी के झंडों से और भारतीय जनता पार्टी के झंडों से सजा दिया गया है। जो कटआउट्स लगे हैं, लोगों की श्रद्धा ऐसी है कि कटआउट्स अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कटआउट है प्रधानमंत्री के, तो उनको फूलों की माला से ढक दिया गया है, इतनी श्रद्धा है, वो आके प्रणाम कर रहे हैं। उसके बाद यहां से आगे जाते हैं और प्रभु श्रीराम के दर्शन के लिए मुख्य मंदिर यानी 700 मीटर दूर वहां पर पहुंचते हैं। तो आज अयोध्या का स्वैग ही अलग है, कहा जाए कि आज अयोध्या एक अलग अंदाज में है, एक अलग रंग में है, पूरे भगवा रंग में है। और जो बाहर से श्रद्धालु आए हैं वो भी उत्साहित है प्रभु श्रीराम के दर्शन को लेकर। नजारा नजर आ रहा है, जब आज का ये नजारा है तो 22 जनवरी का क्या नजारा होगा इसका अंदाजा लगा सकते हैं। विवेक बने रहे हमारे साथ, नीतीश का जरा रुख करते हैं। नीतीश जरा कार्यक्रम के बारे में बताइए, कितने बच्चे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और किस तरह से पूरा कार्यक्रम रहने वाला है?
देखिए सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाता हूँ और यहाँ से लता चौक की चलते हुए पूरी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। अब देखिए यहाँ सजा हुआ और अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा वो कैमरा उठा ले और हम लता चौक चूंकि पास में ही है और कल जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इसकी सेल्फी भी ली थी तो आज इस पूरे मार्ग की जो रौनक है रास्ते में मैं आपको दिखाता जाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा ये लता चौक की ओर जाने वाला रास्ता है और इस रास्ते से होकर प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा। अब आपको बताएं कि हर ओर अनोखी छटा बिखरी हुई है, अनोखी छटा बिखरी हुई है, हर ओर आपको विशेष तरह के आयोजन दिखाई देंगे। हर ओर अगर बात करें तो साज सज्जा दिखाई देगी और जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये पूरा प्रधानमंत्री का जो आयोजन है। नीतीश लौटेंगे आपके पास, मयूर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एयरपोर्ट से क्योंकि आज सौगात मिलने जा रही है नया एयरपोर्ट की। मयूर वहां की तस्वीरें दिखाइए क्योंकि आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है जिसका इंतजार किया जा रहा था। देखिए बहुत बड़ी सौगात है यह अयोध्या के लिए, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए, कि महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे जिसके बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं खूबसूरत, दूर से आप देखेंगे तो ये एयरपोर्ट आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, ये आपको किसी एक भव्य मंदिर की तरह ही नजर आएगा जिस तरीके से भगवान श्री राम का मंदिर बनना है उसी तर्ज पर आप देख सकते हैं ये प्रवेश द्वार है एयरपोर्ट का जिसको सजाया गया है। हालांकि फॉग बहुत ज़्यादा है, पूरा मैदानी इलाका है, इस वजह से तस्वीरें बहुत साफ हम यहाँ से नहीं दिखा पा रहे हैं लेकिन कुछ में जैसे कोहरा छटेगा तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनेगी। 22 दिसंबर को ट्रायल टेस्ट हुआ था, सेना के जहाज यहां पर उतरे थे, जो यहां का जो हवाई पट्टी है उसका ट्रायल किया गया था। उसके बाद आज पहली फ्लाइट दिल्ली से इस एयरपोर्ट पे पहुंचेगी और आज ही दिल्ली वापस एक फ्लाइट जाएगी। उसके बाद 15 तारीख से यानी कि 15 जनवरी से लखनऊ अयोध्या से मुंबई तक जो है यहां से फ्लाइटें चलना शुरू हो जाएंगी और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह चालू हो जाएगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, उद्घाटन करेंगे और एक बड़ी सौगात होगी क्योंकि राम मंदिर के दर्शन करने, भगवान श्री राम के दर्शन करने सिर्फ भारत से ही नहीं पूरी दुनिया से लोग यहां पर उमड़ेंगे दर्शन करने के लिए, लाखों की भीड़ होगी तो ऐसे में उनकी व्यवस्थाओं में कोई कमी ना रहे इसको लेकर भी पूरी व्यवस्था यहां पर की गई। आप देख सकते हैं एसपीजी ने इस पूरे प्रमाइसेस को अपने अंडर में ले लिया है, आवाजाही मीडिया की भी एंट्री जो है वो अंदर बंद कर दी गई है। दूर से ही हम आप तस्वीरें आपको यहां से दिखा पा रहे हैं और पूरा जो पूरा एरिया है इसको बिल्कुल राम मंदिर के तर्ज पे ही सजाया गया है कि ऐसा लगे कि पूरा इलाका जो है राममय हुआ है क्योंकि सुल्तानपुर रोड पर ये आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी भी यहां पर तैनात हैं और लगातार गश्त की जा रही है, हर एक कोने चप्पे चप्पे पर डॉग स्क्वाड भी मौजूद है। हमारे सहयोगी भी देख रहे हैं आप हर एक वो नजारा आपको दिखा रहे हैं और ये दिन भर ऐसा ही आपको नजारा दिखने वाला है, हर अपडेट के हमारे सहयोगी पहुंचाएंगे पल पल की। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम ये जानकारी और तस्वीरें अब तक पहुंचाने के लेकिन